नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्वयं के चैनल ट्रिक बायोलॉजी गुरु पर। जैसा कि दोस्तों आपको विदित है कि लॉकडाउन के मद्देनज़र बच्चों के लिए हमने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का भी विशेष ख्याल रखा है और इसमें गुरु कृपा विद्या निकेतन से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैथ्स गुरु लक्ष्मण सर। लक्ष्मण सर, आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 और कक्षा 9 के लिए विशेष मैं आपके लिए लेके आया हूं वैदिक गणित। कल हम लोगों ने वैदिक गणित के अंदर घनफल कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्याएं वैदिक गणित के माध्यम से हम तुरंत निकाल सकते हैं। वैदिक गणित जो है वो हमारे प्राचीन काल से चलती आ रही है। हमारे संस्कृत के बड़े बड़े मुनियों थे, उन्होंने इनका शोध किया था। तो आज मैं आपके लिए वैदिक मैथ का एक सवाल लाया हूं जो है वर्ग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। वर्ग ज्ञात करने की वैसे खूब सारी विधियां हैं, आज हम पहली विधि सीखेंगे याउदूनम ताउदूनी, या ऐसे निखिल बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आज हम वैदिक गणित में वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग निकालने की अनेक विधियां हैं। आज पहली विधि याउदूनम ताउदूनी, चूंकि ये संस्कृत शब्द है याउदूनम ताउदूनी या निखिलम बोलते हैं। आज इस वर्ग ज्ञात करने में दो बातों का विशेष ध्यान रखना आप लोगों को, एक आधार से एक उपाधार से। आज हम सबसे पहले आधार विधि से वर्ग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग ज्ञात करने से पहले आपको यह सूत्र फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, संख्या का स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, आधार विधि से स्क्वायर ज्ञात करने का सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। एग्जांपल, एक संख्या यहां हमारे सामने दे रखी है 17, 17 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? सूत्रानुसार प्यारे विद्यार्थियों, संख्या हमारी 17 है तो 17 आ गई यहां पर, इक्वल बराबर का बराबर, संख्या 17 है प्लस विचलन आपका 7 आएगा ऑब्लिक 7 का स्क्वायर। यहां आधार हमने 10 लिया है, आधार बराबर 10, विचलन, विचलन ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। संख्या थी आपकी 17, आधार था आपका 10, तो विचलन आपका 7 आ गया। एक बार पुनः देखें, 17 का स्क्वायर बराबर 17 प्लस 7 ऑब्लिक 7 का स्क्वायर, सूत्रानुसार हमने मान फिट किया है, 17 में 7 जोड़ेंगे 24 और 7 का स्क्वायर हो गया 49, 9 का 9 आ गया, पर 4 में 4 जोड़ेंगे 8 और ये 2 रह गया। इस तरह से 17 का स्क्वायर 289 होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये पहले विधि थी आधार विधि, अब मैं आपको उपाधार विधि के बारे में बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पहले वर्ग ज्ञात करने की जो विधि थी उपाधार विधि थी, उपाधार विधि के बारे में अब बताएंगे आपको। उससे पहले हमने आधार विधि बेस विधि के माध्यम से बताया था, अब मैं आपको उपाधार विधि से कैसे वर्ग निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, विशेष तौर पर आपको इस विधि का फॉर्मूला याद रखना है, उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन
ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। एक बार मैं पुनर्रिपीट कर रहा हूं, वर्ग ज्ञात करने की जो दूसरी विधि है वो है उपाधार विधि। उपाधार विधि ज्ञात करने का सूत्र होता है उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। इसी क्रम में एक एग्जांपल है, हमें 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 का वर्ग निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहले आधार लेंगे हम 10, आधार लेंगे 10, इसका उपाधार अंक आएगा 3। उपाधार अंक 3 क्यों लिया, क्योंकि 10 को 3 से हम गुणा करते हैं तो 30 आता है, और इसका विचलन रहेगा 2। 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 होगा। एक बार फिर 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालना है। सूत्र के अनुसार उपाधार अंक हमने 3 लिया, कि उपाधार अंक 3 आ गया, इंटू का इंटू किया, संख्या आपकी 32 प्लस विचलन दिया हुआ है 2, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का 3 रहेगा, 32 में 2 जोड़ेंगे 34 आएगा, और 2 का वर्ग 4 होता है। अब 34 को 3 से गुणा करते हैं तो 102 यहां आएगा, 102 ऑब्लिक 4, 4 का 4 और 102 यहां उतार देंगे। इस तरह से उपाधार विधि ज्ञात करने पर इस 32 का स्क्वायर 1024 का आंसर रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्ग ज्ञात करने की जो विधियां बहुत सारी है, अभी हम सीख रहे यावदुनम तावदुनी, जिसमें आधार व उपाधार लिया। आधार का जब है तो सूत्र बताया मैंने आप लोगों को, उपाधार के लिए उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने घर पर रहकर इस वैदिक मैथ में वर्ग ज्ञात करने की जो निखिलम विधि है उसके बारे में बताया। आप भी कुछ अपने घर पर ऐसे बड़े बड़े सवाल बनाकर हल कर सकते हो। बस ध्यान रखना, इसमें निखिलम विधि में आधार और उपाधार लेते हैं और आपको फॉर्मूला याद करना है। तो मैं आशा करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थी घर बैठकर इन सवालों का अभ्यास करेंगे, और मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।